लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें जलतर, गलियां नदियां और चौक चौराहे तालाब बन गए। नुशेबी इलाकों में पानी जमा, बारिश से जोहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, कोट लखपत टाउनशिप, फरोजपुर रोड, किनाल, ठोकर न्याज बेग समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। लिबर्टी गोल चक्कर पर तेज बारिश से पानी खड़ा हो गया, गाड़ियों की रवानी में भी मुश्किल। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। आज से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला मजीद एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। बारिश के बाद शहर के दर्जा हरारत में वाजे कमी, मुरझाए चेहरे खिल उठे, शहरियों के मिजाज की भी अंगड़ाई। जिंदा दिलान का मौसम को एंजॉय करने का शौक उनको घरों से बाहर ले आया। शहरियों की बड़ी तादाद समोसे पकौड़े खरीदने पहुंच गई। चस्कोरे खानों और पकवानों के मुकामात पर रश बढ़ गया। बड़े स्टोर्स के बाद अब छोटे स्टोर्स पर भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। परचून दुकानदारों, फल फ्रोशों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। पाबंदी पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात को अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने का हुक्म। लाहौरियों के लिए साफ पानी की फराहमी से मुतालिक खुशखबरी, चीनी कंपनी की मदद से शहर के 20 इलाकों में साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर अलामा इकबाल टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग, जौहर टाउन, इस्लामपुरा, मजंग, रावी रोड, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों में साफ पानी फराहम किया जाएगा। चीनी कंपनी 7 अरब लागत का मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करेगी। प्रोजेक्ट के तहत वाटर टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। नाकिस कारकर्दगी का रिकॉर्ड कायम, अरकान असेंबली की मुशावरत से बनाई 251 बल्दियाती स्कीमों में से एक भी मुकम्मल न हो सकी। 23 स्कीमें वर्क अवार्ड और 186 टेंडर्स तक महदूद रहीं। 1 अरब 93 करोड़ के 100% अचराक के बावजूद सिर्फ 3% फंड इस्तेमाल किए गए। मार्केट्स में हफ्ते की छुट्टी खत्म, ताजिरों की अक्सरियत ने नोटिफिकेशन के बगैर दुकानें खोल ली। अनारकली बाजार, आबिद मार्केट, इजरा बाजार, आजम क्लॉथ, शाह आलमी मार्केट और बादामी बाग ऑटो मार्केट खुल गईं। बिलासगंज हॉल रोड, मॉल रोड समेत दीगर तिजारती इलाकों में भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। उर्दू बाजार में पुलिस की मुदाखलत, मुजाकरात के बाद बाजार मुकम्मल खुल गया। लॉकडाउन खोलने के लिए जल्दबाजी की गई, कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। हुकूमत लॉकडाउन खत्म करने पर नजरसानी करे, पीएमए ने लॉकडाउन खत्म करने के फैसले को खतरनाक करार दे दिया। सदर पीएमए अशरफ निजामी कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अगस्त के आखिर तक आ सकती है। चेयरमैन पीएमए डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद का हुकूमत से एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इकदाम का मुतालबा। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के दरमियान दूरियां, दौरे लाहौर में वजीर आजम का वजीर आला से रवैया मौजूए बहस बन गया। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार से बाकायदा मुलाकात नहीं की। अराकीन कौमी असम्बली के साथ मुलाकात में शिकायत के अंबार लगने पर भी वजीर आजम वजीर आला से नाला नजर आए। मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खसूसी तयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तयारा 739 लाहौर से रियाज रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके 2 बेटे हमजा ताहिर और सैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजामात। वासा के नए हेड ऑफिस जौहर टाउन का संगे बुनियाद रखने की तकरीर, 8 करोड़ की लागत से 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर करने का मंसूबा। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद बोले, निकासी आपके जेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल होने पर दुकानदार और शहरी वासा को दुआएं दे रहे हैं। तकरीब में DMD इंजीनियरिंग इफ्तिखारुद्दीन नईम, डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर AFNR नवीद मजहर, CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शाहिद सलीम और दीगर की भी शिरकत। बिल्डिंग की तामीर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंपनी करेगी। सोना बढ़ती कीमतों के नए रिकॉर्ड तोड़ने लगा, रबा कारोबारी हफ्ते के अख्तितम तक मजमुई तौर पर सोना 6,500 रुपए महंगा हुआ। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,30,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। मकामी ज्वेलर्स के मुताबिक सोना मजीद महंगा होने का इम्कान है। महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी नाकिस, बेशतर मंसूबे नामुकम्मल, मगर वजीर आजम इमरान खान को सब अच्छा की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान किराए इमारतों में नए स्कूलों का क्याम,
इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, इंसाफ प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम और इंसाफ मोबाइल स्कूल मंसूबे तहाल पेशरफ न होने से इल्तवा का शिकार हो गए। पुलिस के लिए बुख्तर बंद गाड़ियों के हुसूल में रवा साल भी तातुर, फंड्स की अदम दस्तियाबी के सबब 10 गाड़ियों की फराहमी से हुकूमत का साफ इनकार। पंजाब पुलिस के पास पहले से मौजूद 19 बुख्तर बंद के नाकारा होने पर मेगा ऑपरेशंस में मुश्किलात का खदशा। कोरोना के हिफाजती इंतजामात में नरमी के बावजूद मेट्रो बस की बहाली में मुश्किलात, मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने बस में खड़े होकर सफर की पाबंदी के साथ ऑपरेशन की बहाली को मुश्किल करार दे दिया। जीएम अजीज शाह के मुताबिक एसओपी के तहत बस को चलाने की तैयारी मुकम्मल है, फैसला महकमा सेहत की इजाजत के बाद करेंगे। 15 साल नौजवान मीसम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। गुलजार कॉलोनी के मीसम अब्बास शाह के वालिद ने पुलिस को अगवा की दरखास्त दे दी। पुलिस ने दो दोस्तों को हिरासत में ले लिया। दो रोज कबल दोस्तों ने मीसम के ठोकर के करीब नहर में डूबने की इत्तला थी। रेस्क्यू और रीदी ऑपरेशन 3 रोज जारी रहा मगर मीसम मिला ना उसकी लाश मिल सकी। मस्जिद वजीर खान में वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला, इकबाल टाउन के रिहायशी ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। सबा कमर और बिलाल सईद ने मस्जिद का तकद्दस मचरू किया, मुकदमा दर्ज किया जाए दरखास्त में मौके। वजीर आला ने मस्जिद वजीर खान में गाने की अक्सबंदी का नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ से रिपोर्ट भी तलब। उस्मान गुलजार कहते हैं मस्जिद मुकद्दस तरीन मुकाम है, किसी को भी मस्जिद का तकद्दस पामाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट में जरे इल्तवा 1,00,000 मुकदमा, सालीन की परेशानी के खात्मे के लिए जजेस की 20 खाली आसामियों पर जल्द अज जल्द तायुनातियों का फैसला। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने हतमी फहरिस्त की तैयारी शुरू कर दी। नैब की तलबी पर मरियम नवाज की वकला और अहले खाना से मशावरत, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का पेश होने या वकील के जरिए जवाब जमा कराने पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से भी मशवरा। नैब ने 200 एकड़ अराजी की तहकीकात के लिए खातून लीगी रहनुमा को 11 अगस्त को तलब कर रखा है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी एक बार फिर नैब रडार पर, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में 17 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी। नैब ने लीगी रहनुमा को 20 सवालात पर मुश्तमिल सवाल नामा भी अरसाल कर दिया। लीगी रहनुमा पर बतौर कायमा कमेटी चेयरमैन की हैसियत से बेक वक्त 102 मनसूबे शुरू करवाने का इल्जाम, जिनमें से 98 मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ही ना हो सके। कल जाएगा फोर्स डे, 10,00,000 पौधे लगाकर तारीख खत्म करेंगे। फोर्स की रुकनियत साजी दोबारा शुरू कर दी, नौजवान ऐप के जरिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी उस्मान डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम के जाने से टाइगर फोर्स की तारीफ पर इजहार मुसर्रत, बोले वजीर आजम 100 अरब रुपए नौजवानों को देने जा रहे हैं। शेख रशीद का बढ़ती महंगाई का एतराफ, बोले वजीर आजम इमरान खान को चीनी और आटे के सब रेट्स का पता है। वजीर आजम रेट कम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब्सिडी देकर अशिया के निर्ख कम करवाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मुझे नहीं लगता पीटीआई का कोई वजीर करप्शन कर रहा है। बोले नवाज शरीफ खानदान की कोई सियासत नहीं, वो वापस नहीं आ रहे, उनके केसेस बहुत संजीदा हैं। मजीद कहा 17 अगस्त से 10 बन ट्रेन सवाम के लिए खोल रहे हैं। अवाम से रोजगार छिन रहा है, कारोबार के तारीखी शट डाउन हो रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल की मीडिया से बातचीत, बोले लोगों को आटा और चीनी नहीं मिल रही, हुकूमत झूठे मंसूबों की तख्तियां लगा रही है, हुकूमत के पास हायर एजुकेशन को देने के लिए 10 अरब भी नहीं है। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट की नई पोस्टिंग, लाहौर का चार छोड़ दिया। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट के एजाज में मॉडल टाउन और कैंट कचहरी में तकरीब। जजिस और लाहौर बार के अहदेदारों ने बैंड और बाजे के साथ शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में सीनियर सिविल जज साबिर हुसैन डार, साजिद महमूद साचिद, सदर लाहौर बार जी ए खान तारिक और अमजद अली शाह समेत दीगर ने शिरकत की। अल्लाह।
अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फायरिंग वाकई में शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा, आईजी पंजाब, सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशंस, सीटीओ समेत दीगर अफसरान की शिरकत। वजीर आला का शहीद के अहले खाना से इजहार ताजियत। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। मोहम्मद अशरफ ननकाना साहब के इलाके में गाड़ी रोकने पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहीद हो गया था। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद और दीगर पुलिस अफसरान से मॉडल टाउन डिवीजन की अमन कमेटी की मुलाकात। अमन कमेटी के शिया उलमा, मुतवलियों और ऑर्गेनाइजर्स और मुंतजमीन मुलाकात में मौजूद थे, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान, एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद, एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद समेत मुतअद्दद अफसरान मुलाकात में शरीक हुए। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान का दीगर अफसरान के हमरा लाहौर चैंबर का दौरा। सदर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात की। डीआईजी ऑपरेशंस ने लाहौर चैंबर में पुलिस खिदमत मरकज बनाने के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। कैथीड्रल चर्च लॉरेंस रोड में ईद मिलन की तकरीब, कौमी कमीशन ब्राय बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़रिए एहतमाम। तकरीब में आर्श बिशप सुबैशन फ्रांसिस शाह, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम समेत दीगर की शिरकत। मुकर्रीन का कायद आज़म की तकरीर के हवाले से 11 अगस्त को यौम मसावात के तौर पर मनाने का ऐलान। और अर्ज़े पाकिस्तान, कुर्बानियों, शहादतों और अज़्म व हिम्मत की दास्तानों का खराज। कौम के 72वें जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में साजों की जुबान में तजदीद अहद की तैयारी। मुख्तलिफ इलाकाई साजों की मदद से कौमी तराना नई तर्ज पर तरतीब देने का काम जारी है।